हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। मैं हूं आपकी सुहानी मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, राइट? ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होती क्या है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, और कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एल्कीन है क्या वो कॉन्जुगेशन में है। अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगी देन नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन से। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये हुआ। ऑब्वियसली अगर कॉन्जुगेशन है मतलब एनर्जी ज़्यादा लूज हो रही है, एनर्जी ज़्यादा लूज हो रही है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन में। अब बात आती है कि अगर नॉन कॉन्जुगेटेड ही दी गई हो तो हम कैसे पता करें। तो अगर नॉन कॉन्जुगेटेड दी गई है तब हम देखते हैं इस यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन। जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है, राइट? तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब आप पूछेंगे कि इनकेस अगर अल्फा हाइड्रोजन भी सेम हो तो नो वरीज। अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम है, इफ अल्फा हाइड्रोजन इज सेम, तो फिर उसमें हम लिखते हैं कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है कंपैरेटिवली टू सिमेट्रिकल। अब आप पूछेंगे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ये क्या होता है मैम, डोंट वरी। अगर मैं इसको ऐसे एल्कीन लिखूं एंड दिस इज द सेम एल्कीन, राइट? जस्ट सेकंड। या फिर ऐसे This is the same one, right? तो मैं ये बोल रही कि जो unsymmetrical alkene होती है वो ज़्यादा stable होती है comparatively to symmetrical alkene। और अगर दोनों दी जाए symmetrical ही तो हमें पता होना चाहिए कि जो trans alkene होती है that is more stable than cis alkene। क्या ये सारे points clear हुए आपको? बिल्कुल clear होंगे। सबसे पहला point क्या था कि जो conjugated alkene होती है that is more stable। Second point ये था कि non-conjugated alkene में what we see the alpha hydrogen। जिसके alpha hydrogen ज़्यादा होंगे उनकी stability ज़्यादा होगी। तीसरा, अगर alpha hydrogen same है तो unsymmetrical alkene की stability ज़्यादा होगी symmetrical से, और symmetrical में क्या होता है trans की stability होती है ज़्यादा cis से, right? Right। डोंट वरी, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आप सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आई नो यू नो वॉट इज अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, बट एक छोटा सा ग्लिम्स दे देती हूँ। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन की, आई जस्ट वॉन्ट मेक श्योर कि आपको ये पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियरली समझ आए, राइट? तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने की। तो हमने बताया ये क्या है, डबल बॉन्ड, राइट? तो जब डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन होता है ये वाला, वो क्या होता है अल्फा कार्बन, और जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन लगे होते हैं वो ही होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर मैं पूछूं कि इस स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन है तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन हुए यहाँ पर 6 डायरेक्टली, राइट? क्या आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। चलो अब हम देखते हैं हमारे एग्जाम्पल्स। ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। इसमें हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेम चीज, हम पहले क्या देखेंगे कि कौन सी कॉन्जुगेटेड है और कौन सी नहीं। तो इससे पता चल रहा है कि ये वाली तो क्या है, कॉन्जुगेटेड, राइट? सबसे पहले इसको हम मार्क कर देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो दिस वन इज तो कॉन्जुगेटेड, ठीक है? तो कॉन्जुगेटेड क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल, तो 1 तो है सबसे ज्यादा स्टेबल। अब ये तीनों क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड, तो हम क्या करते हैं अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इस कार्बन के, 3। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 इस और इस कार्बन के, 3 + 3 = 6। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 12, 3 + 3 + 3 + 3, राइट? तो क्या होगा, अब हम कैसे सेट करें इसको,
वन इज ग्रेटर देन फोर इज ग्रेटर देन थ्री इज ग्रेटर देन टू. क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दूँ तो आप खुद कर पाएंगे? चलो लेट्स सी. आपका आंसर जो है जो मेरे आंसर से पहले आना चाहिए, नीचे कमेंट में लिखिए कि आपका क्या आंसर आया है इसका, राइट? तो हम करेंगे सॉल्व. क्या करते हैं हम, सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं. नंबरिंग कर लो और उसके बाद क्या देखते हैं हम, उसके बाद देखते हैं कि कहीं इनमें से कोई कॉन्जुगेटेड तो नहीं है. क्या बताएंगे इसमें से कोई कॉन्जुगेटेड है या नहीं? नहीं, इसमें से एक भी कॉन्जुगेटेड नहीं है. तो हम क्या करते हैं, सेकेंड हम करते हैं अल्फा हाइड्रोजन काउंट. इसमें तो है ही नहीं. सेकेंड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? थ्री. इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? सिक्स. इसमें वापस से कितना? ट्वेल्व. और इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं सिक्स. अब इन दोनों में से क्या हो गए? दोनों सिक्स सिक्स है. तो अल्फा हाइड्रोजन जब सेम होते हैं तब हम क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल इज मोर स्टेबल देन सिमेट्रिकल. दोनों सिमेट्रिकल है, मतलब ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस. तो ये जो वाला है दैट इज मोर स्टेबल. तो अगर हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कौन सा है? फोर्थ. अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है. उसके बाद क्या आएगा? थ्री, क्योंकि ये ट्रांस है. उसके बाद क्या आया? फाइव, क्योंकि ये क्या है? सिस. उसके बाद आया सेकेंड, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन थे कम. और उसके बाद आया हमारा वन. तो ये हमारा निकल गया ऑर्डर कितना ईजीली, राइट? राइट. चलो अब हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें सारे डाउट्स हो जाएंगे आपके क्लियर, ठीक है? तो लास्ट एग्जांपल मैंने ले लिया है. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? कॉन्जुगेशन, राइट? तो अब मुझे बताओ कि इसमें कॉन्जुगेशन है क्या? इसमें है. यस, इसमें है कॉन्जुगेशन. इसमें भी है, ठीक है? तो दो में तो हमारे कॉन्जुगेशन है, बाकी में नहीं है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मार्क कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. मार्क करने के बाद अब हमने देख लिया इन दोनों में कॉन्जुगेशन है. अब कॉन्जुगेशन है तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, कैसे करेंगे? वही अल्फा हाइड्रोजन. इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? क्या आप काउंट कर सकते हैं? यहाँ पे ये कार्बन दो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे दो, मतलब अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे चार. यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? सात, क्योंकि दो ये और तीन यहाँ से भी तो आ रहा है. दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन. सो दिस, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारे क्या हुए? सेवन, राइट? तो ऑर्डर यहाँ पे मैं लिख दूँ कि थ्री इज ग्रेटर देन वन. अब हम देखते हैं कॉन्जुगेशन हो गया, अब हम देखते हैं इनमें. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे कितने हैं? चार. यहाँ पे कितने हैं? दो. और यहाँ पे कितने हैं? दो, दो चार पाँच छः सात. डायरेक्टली हमारा अल्फा हाइड्रोजन से आ गया है यहाँ पे आंसर. तो इसका अगर हम आंसर देखें तो क्या होगा? थ्री इज ग्रेटर देन वन इज ग्रेटर देन फाइव एंड देन टू, उसके बाद आएगा हमारा फोर. कितना इजी कंसेप्ट, और हमने कितना इजीली सॉल्व कर लिया है ये सारे क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आया होगा. मैं जल्दी ही वापस आपसे मिलूंगी एक नया कॉन्सेप्ट लेके. तब तक के लिए गुड बाय.